इलेक्शन कमीशन आपको आवाज हम पहुंचा के जाएंगे वहां तक कि आपने जो इलेक्शन कमीशन को सिलेक्शन कमीशन ने जो ये फैसला जो हम पे मुसल्लत किया अभी मोहसिन नकवी को, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन एक फैसले कर रहा है, नून लीग की भी टीम है और ये इसके फैसले से आवाम उठने वाली नहीं है। इन्होंने जो रात के अंधेरे में 12 बजे सीएम को लगाया है, जिदारी साहब का बड़ा बच्चा है, इस तरह के फैसले करने से ये आवाम को रुक करते अपने खिलाफ दफन और पैदा करेंगे और इन शाला आवाम इलेक्शन में साबित करेगी कि आवाम सही इमरान खान के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादती आवाम के साथ, आवाम के हकूक को तो ना ऐसे जैसे कुछ समझा ही नहीं जा रहा। आवाम की मर्जी चलनी चाहिए, आवाम का पसंदीदा नेता इमरान खान है और सिर्फ इमरान खान को पुश करने के लिए, पीछे धकेलने के लिए सारे हक कर दे हुए हम लोग इसको ना मंजूर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ये जो मोहसिन नकवी को वजीर आला बनाया गया है, इसके बारे में आपका क्या रद्द अमल है कि क्या ये डिसीजन ठीक है? देखिए जी, रद्द अमल आपके सामने आवाम का, आवाम यहाँ पे मौजूद है और मैं समझता हूँ कि किसी भी ऐसे शख्स को जो मुतनाज़ा हो किसी भी मामले के अंदर, उसको निगरान वज़ीर आला नहीं होना चाहिए। निगरान का मतलब ये होता है कि उसकी निगरानी के अंदर जो है वो तमाम मामलात करके जो जो असल रजीम है, यानी कि जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, वो पॉजिटिविटी उस वे के अंदर उसको हम जो है ना वो तब्दील करें और एक जो प्रोसेस होता है चेंज होने का, हुकूमत तब्दील होने का, उसको मुकम्मल किया जाए। लेकिन अगर आप किसी मुतनाज़ा शख्स को, मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो उनकी शख्सियत मुतनाज़ा हो चुकी है तो उनको खुद ही जो है ना वो मेरे ख्याल में स्टेप डाउन कर जाना चाहिए इसके इस हवाले से। और एक बनता भी यही है, क्योंकि अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है तो इसके लिए स्मूथ और हेल्थी प्रोसेस बहुत ज़रूरी है और वो इलेक्शन है। मेरा ख्याल है इनको जो है वो मतलब स्टेप डाउन करना चाहिए, नया निगरान वज़ीर आला जो गैर मुतनाज़ा शख्सियत हो, कोई भी हो, हमारे मुल्क में बहुत से अच्छे लोग हैं गैर मुतनाज़ा शख्सियत हो, वो आगे इलेक्शन करवाए और इस मुल्क को आगे बढ़ाए। जी देखें, ये सिर्फ किसी जमात के साथ ज्यादती नहीं है बल्कि पाकिस्तानी अवाम के साथ इन्होंने ज्यादती की है। एक ऐसा बंदा जिसने 35 लाख की प्री बार्गेनिंग ले ली नैब से स्टील मिल के केस में और उसको इन्होंने वजीर आला नामजद कर दिया। जरदारी जिसको बेटा कहता है, जिसका फ्रंट मैन है, वो जरदारी का फ्रंट मैन है ना मोहसिन नकवी, तो उसको इन्होंने वजीर आला नामजद कर दिया। इसके खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करेंगे, तमाम अदालती कानूनी और आइनी जितने भी पहलू हैं उस पर हमारी पार्टी वर्क कर रही है और इंशाल्लाह क्या कहते हैं इनको हटा के रहेंगे। यही कहूँगा कि जनाब देखो, ना एतमाद में लिया गया है, ना किसी से मशा किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने एक तहफा फैसला किया जो हमें कबूल नहीं है। हम इसके अगेंस्ट ये एहतजाज कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह एहतजाज तब तक रखेंगे जब तक इसको वापस भेज दिया जाता। ये निगरान वज़ीर आज़म के अहल ही नहीं है, इसको वज़ीर आला बनाना ही नहीं चाहिए था। ये तो दोनों पार्टियां तीनों की मुशावरत से होता है, यक तहफा इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर नहीं सकता, ये आइन के भी खिलाफ है और कानूनी तौर पे भी नहीं। कभी भी नहीं हो सकता, इससे मजीद इंतशार मुल्क आपके सामने आगे दिवालिया की पोजीशन में है। अब ये पक्का दिवालिया हो गया मुल्क का, ये जो इन्होंने हरकत कर दिया इससे मुल्क की गाड़ी खत्म हो गई। थैंक यू। मोहसिन नकवी एक करप्ट तरीन इंसान है जिसका नैब में केस भी चल रहा है और ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने उन जरदारी का वो समझ ले, जरदारी उसका बाप है, ठीक है, और करप्शन के उसके बेशुमार उस पर केस हैं और वो उस पर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जो हमें बिल्कुल नामंजूर है, ठीक है। और जो मोहसिन नकवी है वो बिल्कुल मुर्दाबाद है और इंशाल्लाह वो मुर्दाबाद ही रहेगा। और हम मोहसिन नकवी के होते हुए इलेक्शन शफाफ होंगे या नहीं हो सकते? कही इलेक्शन साफ हो ही नहीं सकते जब वो पीडीएम का इलेक्शन कमिश्नर का हमायती है, इलेक्शन कमिश्नर ने गैर जानबदार होकर उस वज़ीर आला का नोटिफिकेशन जारी किया जो कि एक नहायत ही करप्ट तरीन इंसान है और करप्ट तरीन इंसान को हम नहीं मानते और यही हमारा मंशूर है और यही हमारी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि जो भी प्री पार्किंग करता है नैब के साथ वो किसी भी अवामी अहदे पर नहीं आ सकता, तो इस हवाले से भी अगर देखा जाए तो किसी तरह से भी उसकी अहलियत नहीं बनती और वो अपनी जानबदारी जाहिर कर चुके हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन हर फैसले में जानबदार है और किसी भी तरह से पीटीआई को तो वो उनके फैसले को किसी तरह भी एक ये फैसला नहीं है किसी का भी ये, क्योंकि केयर टेकर हुकूमत जो होती है इसने गैर जानबदार होकर इलेक्शन करवाना होता है, लेकिन जब ऐसा बंदा
किसी भी अवामी अहदे पर आएगा तो वो गैर जानबदार नहीं रहेगा। तो इसलिए किसी भी तरह से उसको हमें आवाम तो कबूल नहीं करेगी। जैसे इम्पोर्टेड हुकूमत है पहले पाकिस्तानी कौम पे मुसल्लत हुई हुई है, इसी तरह इन्होंने इसको भी मुसल्लत कर दिया। सर 8 माह से इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत है, आवाम को क्या पैगाम देंगे कि आने वाले इलेक्शन में क्या रिजल्ट होगा? इसमें यह है कि नंबर ऑफ टाइम जैसे कि हमारा खान आवाम को पैगाम दे चुका है कि अगर कौम अपने लिए नहीं निकलेगी, अब नहीं निकलेगी तो कभी भी नहीं निकलेगी। अब हमारी एज में जो इस तक हमने देखा है आज तक पाकिस्तानी कौम के लिए, अगर किसी ने कोई बोल्ड फैसला लिया है तो इमरान खान ने लिया। अगर अब भी कौम नहीं निकलेगी तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ, जैसे हम गिला करते आए हैं कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, तो फिर हमारी बच्चे भी यही हमसे गिला करते रहेंगे कि हमारे बड़ों ने कुछ नहीं किया। अब पाकिस्तानी कौम के लिए टाइम है, वक्त है कि बाहर निकलें, कुछ भी नहीं होगा। अपने लिए नहीं निकलेंगे तो किसके लिए निकलेंगे? इस कौम को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। इन्होंने जब भी इन्होंने इख्तदार के लिए फॉर द टाइम बीइंग आते हैं, इख्तदार इंजॉय करके ये लंदन चले जाते हैं। इनका तो और काम ही कोई नहीं है, ये तो इन्होंने पार्ट टाइम रखा हुआ है, इंजॉय करना है मुल्क को और कौम को लूटना है और वापस चले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ना साफ शफाफ ये तो इनके खून में शामिल नहीं है, ये शफाफियत वाला नहीं। आज हम इसीलिए हाजिर हुए कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और PTI सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, इसने प्ली बार्गेनिंग की है। और सीधी सी बात है कि ये मतराज है, जो मतराज है मतलब कोई भी हो उसको गैर जानबदार रोल नहीं प्ले कर सकता, ये मतराज आदमी है और इसको नहीं होना चाहिए। बढ़ती महंगाई के हवाले से इम्पोर्टेड हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? बढ़ती हुई महंगाई इम्पोर्टेड गवर्नमेंट देखे ना, पिछले 9-10 माह से पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया, इकॉनमी बर्बाद हो गई है और ये इनको अपने केसेस की पड़ी हुई है। मरियम आज वो पापा उनका चोर आज सलमान शहबाज आज, मैं समझता रात को मैं TV दे रहा था, शायद खान अब्बासी दलेर आदमी निकला है, उसका जो स्टेटमेंट है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। उसने कहा कि मुल्क की सोचे, ये सब छोड़े सारा जो कुछ कर रहे हैं। मैं कहता मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, पार्टी में हूँ लेकिन मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ। तो मैं समझता उसने जो हक की आवाज़ सही है बिल्कुल उसने ठीक किया है। वालेकुम अस्सलाम सर, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है मोहसिन नकवी के हवाले से, तो मोहसिन नकवी की तैनाती के हवाले से आप क्या कहते हैं, ये दूसरा फैसला है? देखें जी, मोहसिन नकवी साहब एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है और कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी को आप निगरान सेटअप के अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि उसके जो है वो नैब के केसेज हैं। उसने प्ली बार्गेन की है, प्ली बार्गेन में उसने 40 से 45 लाख रुपये जो कि नैब को उसने दिया है उसके ऊपर केसेस हैं। इस वजह से जो निगरान सेटअप होता है उसके अंदर आप एक न्यूट्रल पर्सन को लगाते हैं, कंट्रोवर्शियल बंदे को नहीं लगाते, क्योंकि ये जाहिर है अब ये कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है। इसलिए हमारे पूरे बल्कि हमारी क्यादत PTI की भी और तमाम हमारी वकला हजरात भी इसको नहीं मानते। आज हम इस सिलसिले में यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में के बाहर भी हमने एहतजाज किया है कि इसको जो है वो फौरी हटाया जाए और एक न्यूट्रल बंदे को अपॉइंट किया जाए जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट करा सके। ये बताएं मोहसिन नकवी के होते हुए इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे? देखें जी, ये क्वेश्चन जो है इसका जवाब तो ना ही है, क्योंकि जाहिर है जो बंदा एक जरदारी का बगल बच्चा हो और शहबाज शरीफ के जो है वो फ्रंट मैन हो, ठीक है, वो बंदा जो है वो कहाँ पे आपके इलेक्शन यहाँ पे ऑनेस्टली तौर पर कंडक्ट करा सकता है? ये इसी वजह से कि वो बंदा जो है इन पार्टीज के साथ अटैच रहा है और जरदारी की खुद वीडियो भी है कि जिसमें उसने कहा है कि ये मेरा बगल बच्चा है, ठीक है, तो इस वजह से ये बंदा जो है बिल्कुल हनेस नहीं है। हमारा यही प्रॉमन एहतजाज है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन जो है वो एक न्यूट्रल बंदा अपॉइंट करे जो कि कहीं किसी तरह पे उसके ऊपर केसेस वगैरह ना हों ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या रद्द अमल है इसके ऊपर, कौन सा वजीर आला लगाया गया मोहसिन नकवी साहब को, इसके बारे में आपका क्या तासुरात और क्या बयान? देखें जी, बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है उसमें यह था कि कोई भी नैब ज़्यादा बंदा वो आप उसको किसी भी ऑफिस पब्लिक ऑफिस में होल्ड नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है उसकी ये सरेसर जो है वो उसकी खिलाफवर्जी हो रही है, और दूसरी बात यह है कि आपने एक उस बंदे को जिस बंदे के ऊपर पहले ही एलिगेशन हैं आपने उसको एक इंटरिम सेटअप का हिस्सा बना दिया, और ये नाम आज से 8 दिन पहले सर्कुलेट हो चुका था कि यही नाम होगा, तो आप उसके उसको आपने तैनात करके आपने ये नहीं किया कि आपने तैनाती की है, असल में आपने जो अगला इलेक्शन है आपने उस अगले इलेक्शन के लिए आपने उसको तबाह कर दिया है। और मेरा जो ख्याल है वो ये है कि ये बेसिकली
इलेक्शंस के लिए नहीं आए, ये इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए आई हैं। और दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है, उसका सिर्फ एक होता है कि उसने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने होते हैं, 3 माह को उसके पास मैंडेट होता है। इनका जो मंसूबा है वो ये है कि इसकी आड़ में ये इसको प्रोलोंग करके इसको अगले इलेक्शन तक लेके जाना चाहते हैं, जो कि कानून में कहीं पे भी इसमें रिटर्न नहीं है।